सफर आसान होता जा रहा है मगर नुकसान होता जा रहा है, रोको उसे कोई तो रोको जो बदनवान होता जा रहा है। करप्शन नहीं रुक पा रही, इसीलिए आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आज तो बड़े शायराना मोड में लग रहे हैं आप। अच्छा जी, शायर थे तुसी लगंडे, वेखो तो सही। लेकिन रुमाल थे तुसी पाया ना। चॉकलेटी अज ते प्यारे अकरम भाई है ना। जी ड्रेसिंग करते ने माशाल्लाह, जदों असीं इन्हां नूं वेखदे ना तीन चार एपीसोड तों ते दिलों ही उतर जांदे ने। जिंदगी में आप कभी सेवन स्टार होटल में गए हैं? हाँ जी। हमेशा सेवन स्टार होटल में जाते हैं। अच्छा जी। और जाते ही गिरते हैं, कहते वो होए की हो गया। वासे भाई बहुत ही प्यारे और अकलमंद इंसान है। असी खुश नसीब है, सानू इंज दा एंकर मिलया जी। जी जी बिल्कुल। किसी को इंज दा नहीं है, बिल्कुल ना किसी को होना चाहिए जी, क्योंकि जहीन बंदा सिर्फ साडे को ही होना चाहिए। बस नहीं, जो बंदे खाना खाते सोच रहे होंगे यार घर वाले मैनू क्यों सिर्फ ठंडा सालन दें। चिड़िया घर गए तो हाथी देख के कही जानो एडा वड्डा खोता। मेरे नाल गए ने फाइव स्टार होटल। अच्छा। ते सारा शीशा लगा। मैंने कहना यार बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, किन्ने बनाया? फुटबॉल खेड के आए तो घर आके भाभी कहते अज ताडी दुआ ने चार विकटा लिया। जी कोई आप ना समझ आने वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे अपने पहले मेहमान को बुला लेना चाहिए। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर और साथ साथ चेयरमैन स्पेशल कमेटी नंबर 9 जनाब बैरिस्टर वसीम खान बतौज़ई। उनके साथ देने के लिए दूसरी मेहमान एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने पढ़ा है लॉ, मोहतरमा मारिया गुलजान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। वसीम खान साहब मेरे मुल्तान से तशरीफ लाए हैं। जितने भी एमपी एमएनए इस वक्त हैं उनमें खूबसूरत आदमी है सर। क्या बात। और शेर भी मैं बिल्कुल इनकी तरह खूबसूरत लाया हूँ। अच्छा जी। मारिया जी के लिए। आज जलवागर हुई है जो हमारे सामने ये मेहमान, नाम इनका मारिया भी, गुल भी और जान भी। जान भी देखने में गुड़िया सी लगती हैं, लेकिन गौर से देखिए तो टीवी के ड्रामों की हैं पहचान। क्या बात है, अपने आप गवाह हुंदे ने, चेता रखी। अपने आप गवाह हुंदे ने, चेता रखी। अखरां विच वी साह हुंदे ने, चेता रखी। अपना फर्ज भुला के दूजियां दा हक खा के पिंड ते शहर तबाह हुंदे ने, चेता रखी। लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं, उम्र अभी मेरी 17 है। जो आहिस्ता आहिस्ता कट रहा वो मोटा ताजा बकरा है। खान साहब जो काबली वालों को घर मिलने गए हैं वसीम भाई, लगता है गवर्नमेंट को कोई खतरा है। मारिया जी क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप पहली बार हमारे शो में तशरीफ लाई हैं। आपने शो देखा हुआ है? बहुत मर्तबा देखा। सो यू हैव एन आइडिया? आई हैव एन, यू हैव एन आइडिया। और अभी आप रिसेंटली ड्रामा परिजात के अंदर भी नजर आई थी। जी जी। और बेबसी भी आपका ड्रामा है। तो इससे मैं चलता हूँ पीटीआई की तरफ। तो बेबसी आपने देखा या सिर्फ महसूस की? कभी देखा नहीं है ना ही महसूस किया। अच्छा, तो इंशाल्लाह डर तो नहीं है कहीं ऐसी कोई हालत का कि जहाँ पे बेबसी? डर किस चीज का जी? नहीं डर होता है, सीट जाने का डर होता है, हुकूमत जाने का डर। आजकल तो बड़ी दौड़े छोड़े लग रही हैं, कभी इधर कभी उधर। जब आपका इमाम मजबूत हो और यकीन मुस्तहकम हो तो भी डर कैसा? मौलाना फजल रहमान साहब को मिलके कह रहे होंगे मेनू अपने नाल ही समझा करो। अगर नहीं सर, वैसे वसीम भाई आजकल हालात कुछ जरा अजीब से हुए हुए हैं।
सर ये मीडिया में नजर आ रहे हैं। अच्छा सब में नहीं है तो अगर कोई होगा तो सामने आ जाए। तो वो जो शोई साहब के साथ मुलाकात थी खान साहब की वो हमने दिखाई। शोई साहब माशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तादी हैं तो एलआई से तो मुलाकातें चलती रहती हैं। अच्छा इनकारी हो गए हैं बिल्कुल आप लोग तो किस चीज़ से कि कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं जी गड़बड़ होगी तो नजर आ जाएगी। नजर ही आ रही है हम भी वही दिखा रहे हैं। नहीं सर भी वो एमी बिलावल भुट्टो साहब ही नहीं निकले हुए सड़क पे वो एमी मीडिया दिखा रहे हैं। निकले हुए हैं लेकिन जो जितने लोग साथ हैं वो आपके भी सामने हैं और मीडिया भी दिखा रहा है। अच्छे खासे बंदे थे। नहीं सर इतने नहीं है। देखें आपके सिंध में गवर्नमेंट हो आप पिछले कई सालों से सिंध में बरसर इकतदार हों और फिर इस तरह आप मतलब है कि इतना मजमा लेके निकलें तो मजा नहीं आता। वैसे भी जो आप देख रहे हैं आपकी आंखों का धोखा है ये भी हो सकता है। वैसे बिलावल साहब सुने फास्ट बॉलर हो गए कराची तो स्टार ले के आ रहे हैं। ये सर खत्म हो गए भाई जान। अच्छा जी आहो मगर वैसे आप तो कराची से ताल्लुक रखती हैं। मैं कराची से हूँ। बिल्कुल तो आप बताएं मुझे सबसे पहले लॉयर आप बन गई थी तो ये एक्टिंग और लॉयर मुझे पता था कि ये आएगा सवाल। अच्छा हाँ, कल छोड़े छोड़े मैंने नहीं आप मुझे ये बताएं इतनी प्यारी हो कि अब लॉयर क्यों बनी? लॉयर अच्छा लॉयर हो माफी चाहो मैं सुन चुकी हूँ कि लॉयर लॉयर अच्छा ये भी सुन चुकी हुई है। और पता है मुझे पता था कि ये वाला सवाल आप पूछेंगे कि एक्टिंग में है फिर लॉ कर रही है और ये सब लेकिन उसका जवाब मैं सोच के आई गुड सोच कर आई। ये जो ब्यूटी है मेरी और जवाब ये है कि लॉ मेरे बुढ़ापे के लिए और अभी जो है उसके लिए मीडिया। ओहो बहुत अच्छा आप ये जवाब कराची से सोचती हुई आ रही हैं। आपने इतना टाइम लिया जवाब को सोचने कहना चाह रही हैं कि जो लॉ है वो आपने बुढ़ापे के लिए रखा हुआ है। मेरा करियर जो है लॉ क्योंकि जरूरी है पढ़ाई बहुत जरूरी है मुझे लगता है हर इंसान के लिए। हाँ। वो आपको शहूर देती है बिल्कुल और इसी वजह से आगे जाके भी पैसे कमा सकूंगी प्रोफेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो इस वजह से मैंने लॉ कर दिया क्योंकि आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपको पता होना चाहिए आपके मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन एथिक्स मॉरल वैल्यूज और ये सब तो इस वजह से लॉ बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि हर इंसान को उसके लॉज। मगर एक्टिंग कहाँ पे आई और कैसे आई आपकी जिंदगी में? उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी। प्लीज सुना दें। नहीं अगर मैं सुनाऊंगी तो ये शो खत्म हो जाएगा। कल रात में लाइव गई थी अपने इंस्टाग्राम से और मैंने ये आपने क्या किया ये हमें बता देते कि हम इंस्टाग्राम पे आपको देख लेते इधर बुलाते ही ना फिर मगर नहीं चले बताएं कहानी लंबी है मगर आप चले हमें सिनॉप्सिस सुना दें उसका। नहीं यही तो है कि बस कल रात लाइव गई इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने बड़ा वो किया कि लॉ कर दिया और फिर उसके बाद ये और लोग बोर हो गए थे मेरी स्टोरी सुन के इसलिए मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाना। अभी माशाल्लाह आपने शुरू की थी तो हम बोर होना शुरू हो गए थे थोड़ा सा तो सुनाए। इसमें स्टोरी तो कहीं पे भी नहीं थी आपने तो बगैर स्टोरी बताए ही माहौल बना दिया। लेकिन आपको हंसी आ गई ना? नहीं मगर प्लीज कहानी तो बता दीजिए। देखिए हमने आपको बुलाया है इतनी दूर से परीजात की बता दें। पता है परीजात ने मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया हाय हाय लेकिन उससे फॉलोइंग बहुत बढ़ी है। फॉलोइंग बढ़ गई अच्छा कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया कुछ लोगों ने नहीं किया लेकिन जाहिर सी बात है जब आप मीडिया में आते हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ऊपर जाते हो। हम के साथ वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था लेकिन लोगों ने कहा कि छोटा कैरेक्टर कर दिया सीन्स कम थे 20 सीन्स थे लेकिन कैरेक्टर बेशक पिएगा था पर खूबसूरत पिएगा था बिल्कुल तो वो मैं तो वो आपने कर लिया वो मैंने कर लिया तो वो आपने कर लिया। सर आपने भी क्या लॉ इसलिए किया कि बुढ़ापे में काम आएगा? मेरा इनको भी मशवरा ये है कि अगर इन्होंने इस प्रोफेशन को चूज किया तो अभी से जरा उसके साथ इन टच हो जाए। एक्टिंग के साथ या लॉ के साथ? मैं लॉ की बात कर रहा हूं लीगल प्रोफेशन की। ठीक है अदरवाइज बुढ़ापे में काम नहीं आएगा। ओए होए इन टच हो जाए आप फौरन लगे हाथ इन पे केस करें पहले इन टच तो होना ही नहीं। देखिए व्हाट अ वर्सटाइल एक्ट्रेस शी इज के परिजाद में इन्होंने जो रोल किया था अच्छा और उसके बाद इंतकाम इनका भी जो रिसेंटली वो है इनका जो प्ले देखें इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस अब मुझे तो खुशी हुई ये सुन के कि ये लॉ के साथ भी इनकी कोई वाबस्ती। वसीम भाई आपने ये देखे हुए हैं सारे ड्रामे? लोगों ने कह रहे थे तानू यमुना ज़ैदी वाला रोल करना चाहिए था जड़े। I am surprised कि आपने इतना डिटेल में देखा हुआ है ये। चले परीजात तो बनता था आप लोगों का लेकिन आपने बाकी भी सारे ड्रामे देखे हुए उनके स्टाइल एक्ट्रेस होगी तो सारी आप इससे पहले भी शो पे आए हुए लेकिन आपने कभी साथ वाले गेस्ट का इतना काम नहीं देखा जितना आपने इनका देखा है ये क्या बात है? देखिए मारिया गुलजान पाकिस्तान के को उभरता हुआ ऐसा नाम है कुछ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में इंडस्ट्री पे राज करेंगे। मारिया आपकी ये पहली मुलाकात है इनसे? जी बिल्कुल अभी अभी हम मिले हैं। अच्छा उन्होंने तारीफ की थी कि मारी जी कह रहे हैं
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸੇ ਲੈਕਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੈਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ अब हो रही है क्या इनके साथ बैठने के बाद नहीं नहीं अभी हम थोड़ी देर पहले जब हम बाहर बिल्कुल रिसेंटली मिले हैं तो मैंने यही कहा था कि मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जो भी रिसेंटली कहाँ मिले आप अभी, तो अभी, अभी, अरे अभी अभी अभी, अभी, अभी दो मिनट रास्ते में चलते अच्छा रास्ते में मिल लिए थे आप इथों आंदे रास्ता 3 घंटे ना सारी गल्लां कर रहे हैं मगर आपने वोट कास्ट किया था नहीं अच्छा वोट नहीं कास्ट किया या नेक्स्ट टाइम करेंगे अच्छा ये भी आपको पता है हाँ जी मुझे पता है उसकी वजह ये है ना जी देखिए लीगल प्रोफेशन से इनकी वाबस्तगी अच्छा पॉलिटिक्स में नया नया इंटरेस्ट हाँ और आपके साथ गेस्ट बैठी हुई है शो में वोट तो कास्ट करना पड़ता ही है जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੈਸੇ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾਈਕ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੇ ਸੋਚਾ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੀ ਥੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੇ ਬਾਅਦ अपना कॉलेज और फिर उसके बाद LLB की डिग्री तो बीच में मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मैं मीडिया साइंसेज की तरफ जाऊँ क्योंकि बहुत फैसिनेट करती है ऑन स्क्रीन अभी ये मेरे सामने स्क्रीन है और मैं देख रही हूँ जो बड़ी अच्छी लग रही है और ये चीज़ें बहुत आपको फैसिनेट करती हैं कि आप ऑन स्क्रीन आ रहे हो अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली जब आप चल रहे हो और आपको लोग देख रहे हैं और पहचान रहे हो आपके साथ पिक्चर ले रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा आपको फैसिनेट करती है बीच में मेरे साथ भी इसी तरह हुआ मैंने सोचा मैं मीडिया साइंसेज कर लूँ लेकिन मीडिया साइंसेस करके आपको ऑफ स्क्रीन जाना है ना डायरेक्शन में और इन सब चीज़ों में मुझे इधर नहीं जाना था डायरेक्शन में जब मुझे शौक है ऑन स्क्रीन का मैंने यहाँ पे ट्राई किया ड्रामा इंडस्ट्री में और हो गया और आई थिंक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में पहले बिलीव नहीं करती थी वो ये है कि आपकी लक बहुत काम करती है आपने नेगेटिव करेक्टर्स किए मैंने करेक्टर स्टार्ट नेगेटिव से ही किया ऑब्वियसली मार्जिन बहुत होता है लेकिन इन पर्सन बहुत पॉजिटिव अच्छा वैसे आपका बड़ा इनोसेंट फेस है तो नेगेटिव कैरेक्टर आप कैसे कर लेती हैं कैरेक्टर में आप बन जाओ तो बस आपने कर लिया ना काम लेंस ही लाने होंगे नागन ड्रामे जी बड़ी बड़ी खूबसूरत कुड़ियां सी एकदम ही मैं तुमसे बहुत नहीं हो सकता कोई गुर्बत में समझदार नहीं हो सकता नौकरी के तुम वाके ही नहीं है यारो हालत ऐसी है कारोबार नहीं हो सकता कर लो जितने भी जतन पर यहाँ पे ताकतवर भाग सकता है गिरफ्तार नहीं हो सकता सही क्या ना वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मारिया आपको इतना शौक है ड्रामो में काम करने का और ये क्या ड्रामो तक की है या फिल्में थिएटर इंशाल्लाह फिल्म थिएटर नहीं है फिल्म है लेकिन ड्रामास तक मैंने अपनी एक लिमिट रखी हुई है कि जब तक हीरोइन बन जाती हूँ तो तब तक करूँगी तो आपने मुझसे पूछा था कि आप लॉ पढ़ा और ये सब तो लॉ में कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह लॉ में कभी छोड़ नहीं सकती वो मेरा प्रोफेशन है और ये ड्रामा इंडस्ट्री मेरा पैशन है ये जो मैं मीडिया में हूँ इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक टाइम तक आगे जाके मुझे माँ और बुढ़ापे वाले रोल नहीं करने क्यों बस शौक नहीं है जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी मेरी वहाँ पे एज लिमिट अगर जब मेरी खत्म हो जाएगी तो मैं साइड पे अपना लॉ और ये हीरोइन की एज लिमिट क्या होती है एज लिमिट का ये जब तक आप जवान हो जब तक आप खूबसूरत हो जब तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं जब तक आप पॉजिटिव हो तो वही आपकी नहीं मगर ये सब किस एज तक रहता है 40 साल तक क्योंकि मैंने ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ये एडमायर करूं माशाल्लाह तो ऐसा कोई फेवरेट नहीं है आप खुद ही अपनी फेवरेट हैं और कोई और आपका फेवरेट एक्टर भी नहीं है इस तरह नहीं है कि मैं खुद ही अपनी फेवरेट हूँ लेकिन हाँ मैं अपने आप को पसंद करती हूँ हर किसी को अपने आप को पसंद करना चाहिए इसके अंदर कोई गरूर वाली बात नहीं है बहुत अच्छा आप भी अपने आप को पसंद करें आप भी करें आप भी करें हम तो अपने बहुत पसंद ये तो अपने आप को पसंद अजय कहता है जब बंदा अपने आप को खूबसूरत तो लगता ही है जो भी इंसान हो नहीं नहीं मगर बात उनकी एक बड़ी एक आइडियोलॉजी है कि आप बिल्कुल अपने आप को उसी में आप अपने आप को पसंद करते हैं सर मैं यकीन करें कैसर पिया अकरम उदास और ठाकुर को पसंद करता हूँ जो हमारी कॉमेडी के यकीन करें रियल किंग्स हैं बाकी एक बात बताऊँ आपको शी इज़ अ ट्रू एक्ट्रेस कि आप देखें कि वो अपने आप को ही पसंद करती हैं सेल्फ एडमायरर हैं ये माशाल्लाह कोई एक्टर भी नहीं है ऐसा जिसके साथ कोई भी नहीं है एक्ट्रेस के अंदर भी आप अपने आप को खुद ही पसंद करते हैं नहीं एक्टर इस
इतना कुछ सोचा नहीं कि मुझे ये पसंद है या मैं इसके साथ जाके। मगर आप होगा ऐसा किसी आप ड्रामे में काम कर रही हो, आप हेरोइन होंगी ऑफ कोर्स, और उसके अंदर कोई आपके अगेंस्ट कोई बंदा एक्टिंग कर रहा हो, कोई हीरो आपका या कोई नहीं, वो भी आप खुद ही करना। आइडियल आइडियल नहीं है, पसंद मुझे सब है, ये नहीं है कि मैं बहुत नहीं, कोई आपकी विश लिस्ट है किसी के साथ आप एक्टिंग करना चाहें? नहीं ऐसा। मुझे बताएं उसी में आप अभी भी पक्के हैं कि वो बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस बनने वाली हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। और खास तौर पे जो आपने बातें सुनी उनकी, उसके बाद तो मजीद यकीन पुख्ता हो गए। यकीन पुख्ता हो गया आपका? ये देखिए आपने कितना इंप्रेस किया है उनको, आपने सोचा भी नहीं होगा मारिया कि वो इतने इंप्रेस हो जाएंगे, इतने फैन बन जाएंगे आपके वसीम भाई। वैसे आपने कहा था कि आप फिल्मों में भी काम करना चाहती हैं, तो कोई फिल्में भी आपके जहन में हैं कैसी होनी चाहिए, या ऑफ कोर्स हीरोइन तो उसमें आप ही होंगी, अकेले ही काम करना है या कोई और भी उसमें होंगे लोग? ऐसी बात नहीं है। किसके साथ करना चाहेंगी फिल्म अपने अलावा? अपने अलावा जो भी होंगे कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। मुझे तो किसी की शक्ल से पर्सनालिटी से कोई मसला नहीं है। आसिफ भाई इन्होंने कल्या फिल्म करनी, आप इन्होंने कहना कि आसिया तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरे मुझे तो छेड़ में तुम बता रही हो, आप ही सारा इन्होंने आप ही करना चाहिए। नहीं कोई हीरो कोई भी नहीं आप जिसके साथ काम करना चाहेंगी, आप मुझे बता दें मैं वो बोलती हूं। फाद खान, फाद मुस्तफा, अली जफर, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, इतने बंदे हैं। हाँ। सच कोई नहीं है, अगर कोई भी होगा तो मैं कर लूंगी, मुझे सबके साथ कर लेंगी। हाँ सबके साथ। नहीं सर नहीं, आप क्लियर ना करें, वो कोई नहीं, वो नहीं मान रही, वो कह रही कोई भी नहीं होगा सर, मैं अकेली होंगी। ट्रांसप्लांट करा दो तुम भी, हुमायूं सईद लगो फिर इस टाइम तो तुम लग रहे हो ना कराई है बिल्कुल। Jumbo, good, how are you? You know what happened with me? I have no idea. I talked to somebody, main kaha yaar business karna hai. Achha. Koi aisa business dasso jide ch bada profit hove. Oh kehnda hai sweet house banao. Sweet house? Machhai ji dukaan. Achha. Kehnde ne machhai ki dukaan banaoge na tumhe 100 rupaye ki cheez 700 rupaye mein bikegi. Kehnda tenu inne paise bachange. तू अपना हाउस भी बिल्ड कर लेंगे। अच्छा। ओ मैं मिठाई की दुकान बनाई 4x4 फुट की दुकान, 20 दिन मैं वेला बैठा रहा। कोई गाहक ही नहीं आया। मैं एक बंदे ने पूछा, मैं क्या गाहक क्यों नहीं आंदा? कहंदा जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है। ओके। तो गुस्से में तो कोई ना मिठाई खाता। वो फिर 20 दिन मेरे नुकसान होया, फिर एक दिन मेरी किस्मत जाग पड़ी। अच्छा। अचानक पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, एक गाहक आया कहंदा मुझे 1 किलो स्वीट दे दो। मैं उन्हें किलो दे पाँच सारी दुकान ही देती। मैं कहा गाहक आया खुश होएगा, वो मैं सारी उन्हें दुकान दे के ते जान छड़ाई। मैं कहा ये नहीं कम चलना इतने, क्योंकि एक बारी सस्ती हुई है कि फिर महंगी होनी है। ते वो मैं दुकान दे आया तो किराया देना 12,000। मुझे नहीं पता नहीं उन्हें मालिक दुकान ने क्या, उन्हें क्या अगर तुमने आज किराया ना दिया हाँ। मैं तुम्हें सुते पे को उठा के खूह में फेंक दूंगा। वसीम भाई आए ने आज 12,24,000। गुड स्टूडेंट, केड़ी क्लास दी ट्यूशन क्लास नहीं एमपी है सही गल है जची बिलकुल मेरी फूफी लग रही मेरी जान हो बन गया पाकिस्तान। I love you my पाकिस्तान। इमरान खान साहब जिंदाबाद, शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद, यास्मीन राशिद साहब जिंदाबाद। शी इज गुड लेडी, यू नो उन्होंने इन्हें 3.5 सालों के सब तो ज्यादा काम किया। देखो उन्होंने अपनी जिंदगी कौम के नाम लाती है, कौम ने सारी जिंदगी इमरान खान के नाम लाती। जदों दे खान साहब आए ने त्रै टाइम दी रोटी भी नहीं खाधी। अच्छा। सवेरे नाश्ता तुहाडी भरजाई ने रखिया ते बुजदार साहब दी कॉल आ गई। अच्छा। मैनू कहंदे ने कम टू मी त्रिगड़धाम। मैं कहा सर कित्थे हो? कहंदे ने रेस कोर्स आ जाओ। अच्छा। वहां कहंदे ने वॉक करेंगे।
भाई किसी किसी वक्त वॉकआउट करना पड़ जाता है। मैं क्या सर उसे सिक्योरिटी का बड़ा मसला होगा, उसे दुनिया आएगी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कहने भी प्रोटोकॉल के बगैर होंगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं। मैं क्या सर दिस इज गुड, गया फिर कटे डाला, पहला लाया पंजवा लाया सतवा लाया नहीं लगा, क्योंकि सतवा उदे च है ही नहीं। टुर पिया मैनु कहते ने यार वेखो ना सारे मेरे मगर क्यों पे, जेड़ा बंदा गल करदा मेरी गल करदा, इन्हां नूं सीएम साहब नहीं नजर आउंदे के पी दे उन्होंने बारे क्यों नहीं गल करते। मैं क्या सर जी सर जी मैं क्या सर जी तुहाडी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग तुहाडे वल मायल होंदे ने। ओए होए होए मैं क्या सर तुहाडी कारकर्दगी ऐसी है लोग तुहाडे तो जैलस होंदे ने। ओए होए होए मैं क्या सर तुहाडा औरा ऐसा हैगा कि लोग परेशान हो जांदे ने तुहानूं वेख के। ओए होए होए मैं क्या सर जी तुसीं कमाल है गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀਐਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਯੈਸ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ? ਟੀਵੀ ਪੇ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ। ਓਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਮਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨੁਮਾਨ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨੁਮਾਨ ਨਿਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਏ ਹੋਏ, ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਤਸਵੀਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਮਪੀਏ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਬ ਦੀ ਜੇਲ ਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੋਰ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ।
वेलकम बैक जी रुकमा, खबर क्या है? जहां हर चीज डिजिटल हो रही है, वहां एक भिखारी भी अब डिजिटल हो गया। उस भिखारी का कहना है कि लोग अक्सर खुले पैसे ना होने का बहाना करते थे, इस वजह से उसने ये तरीका अपनाया। इस मकसद के लिए उसने अपने कशकोल में एक QR कोड रखा हुआ है, यानी अब आए QR कोड को स्कैन करें, खैरात दें और वापस चले जाएं। जरूरत इजाद की मां है। करम भाई ये सकलो इजी है, बस जानते ने इशारे ते खलोंदे ने गड्डी वाले ने सिर्फ इतना कहंदे समझते गए हो वे। जी ऑडियंस से सवाल लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल्ला। और इस तरह के बच्चे नु इतवार वाले दिन जरूर मार पेंदी है जी। कसूर की नहीं वैसे जी। मेरा क्वेश्चन वसीम साहब से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब ने हमसे ये वादा किया था कि वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में चेंज करना है, तो ये फैसला कब तक होगा ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो? गवर्नर हाउस भी जाना था। देखिए जी, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की, उसके बाद फिर जब उस पर काफ़ी डेलीब्रेशंस हुई तो उसके बाद ये नतीजा निकाला गया, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान देखें प्राइम मिनिस्टर आज हैं कल नहीं होंगे, कोई और आ सकता है, सारी ज़िंदगी तो किसी ने नहीं रहना, लेकिन पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी रहना है, ताकि क़यामत रहना है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो आएंगे आपके, तो अगर एटलीस्ट वहाँ पर कोई ऐसी जगह तो हो जहाँ पर आकर वो आपके मुल्क के सरबराह से या सरबराह हुकूमत से मिल सकें। तो इसलिए फिर इन डेलीब्रेशंस के बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म हाउस को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान आप देखेंगे कि जो भी लोग आएंगे वो एक इज्जत से एक अच्छी जगह पे उनको वहाँ पर बिठा कर बात करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोमिना सजाद। मेरा क्वेश्चन वसीम साहब से है। वसीम साहब से ये सवाल आपका? जी जी, जी। क्या बात है, वसीम साहब ने आज तक क्या, आज तक बाहुबली बने हुए नकल भी पूछ लो यार सारे। आखिरी सवाल है, जो आप मुकरण वाले ही है सर। तुसी फिक्र ना करो, तुहाडे सेल मुक जान के साडे जवाब नहीं मुकदे, सानू पता तुहाडे लो जवाब ही। जी वी हैव सीन द इशू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब्स, इवन दो द पीपल हु आर होल्डिंग प्रोफेशनल डिग्रीज। इमरान खान साहब ने हमें शुरू में कहा था कि वो लोगों को जॉब्स देंगे, लेकिन हम जैसे आजकल लोग देख रहे हैं, पीपल आर फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज विद देयर करियर, तो जॉब्स क्यों नहीं है लोगों के लिए? जब कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या कोई हेड ऑफ स्टेट खड़ा होकर अगर बात करता है कि मेरे मुल्क में नौकरियां आएंगी, तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आपको कोई सरकारी नौकरी वो ऑफर कर रहा है कि जी वहाँ 1 करोड़ नौकरी सरकारी होगी। बेसिकली वो क्या करेगा, ही विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और वो क्या होंगी कि आपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को मतलब है कि प्रमोट करना है, और वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हों। तो ओवरऑल आप अगर पाकिस्तान में देखें तो इस टाइम माशाल्लाह, आप फैसलाबाद को देख लें जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको देखें, आपकी पावर लूम्स है वहाँ पे, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग वहाँ पर काफ़ी खुश हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। आप सियालकोट चले जाएँ तो बाहर आपको लगा हुआ फैक्ट्रीज़ के बाहर लगा हुआ मिलेगा जी, इनको लोगों की ज़रूरत है, जो स्किल्ड लोग हैं या अनस्किल्ड लोग हैं उनकी ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आए? इसी तरह जॉब्स क्रिएट होती हैं। 50 लाख नौकरी सियालकोट या बेटा उसे जाना पैना। मारिया आपसे कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मारिया आप बचपन से ऐसी हैं, आपने अब जाके स्पीड पकड़ी है। ये थॉट प्रोसेस जो आया ये अब आया या बचपन से ही आपने कहा था कि सर मैं ही हूँ? बाप को गलत लेके जा रहे हैं। मैं किधर, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैंने कहा कि हर किसी को अपने आप को पसंद करना चाहिए। नहीं, क्यों इतना ना पसंद करें? तो मतलब एक और ही स्टेज पे आ गए। आप अपने आप को पसंद नहीं करते? इतना तो नहीं करता, इतना नहीं करती, बस एवरेज न्यूट्रल। कभी कभी अपने आप को बुरे लगते हैं, शीशे कह रहे अपने आप। जी तो प्रवीण मणि का सेगमेंट खेलते हैं, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, मारिया आपने उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैं। ओह अच्छा, ये जाहिर बात है, मैंने क्यों पूछा ये, मुझे पता होना चाहिए था कि मैं ही होगा। जी मारिया, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और शेख रशीद अहमद। डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत एंटरटेन करते हैं, हम सबको एंटरटेन करें तो जाहिर सी बात है मुझे बोर नहीं करेंगे। एक लिफ्ट के अंदर इंटरव्यू है, आप तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं सबूर अली, यमुना जैदी और उष्णा शाह। तो सेल्फी किसके साथ है? सबूर के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल दूंगी यमुना को। और किसको कह रही है फ्लोर आ गया? उष्णा। उष्णा ठीक है। ये बताइए, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के आप चांद पर जा रही हैं,
एक सीट है आपके रॉकेट के अंदर, आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी वो वहीं रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? तो आप किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हारून शाहिद और अली रहमान। अली रहमान, अली रहमान आपको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं वो, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। मौलाना फजल रहमान, ठीक है। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद अली अकबर और वसीम खान बदोजई। अहमद अली अकबर बहुत अच्छे इंसान है, अहमद अली अकबर बहुत अच्छे इंसान है, वसीम खान नहीं है, उनकी शक्ल मुझे याद नहीं आ रही, तो मेरे दिमाग में जो शक्ल याद आ रही मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी में बहुत अच्छे। वसीम खान की शक्ल आपको याद नहीं आ रही? नहीं याद, ठीक है। डेढ़ घंटे तो तरीफा कर करके मरने वाले हो, तो उन्होंने शक्ल याद। अच्छा, ये नहीं, इन्हें बचाऊंगी मैं, इन्हें बचाएंगी, इन्हें बचाऊंगी। आपने परीजा डुबो दिया, आप भी लिफ्ट में एंटर हुए, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं जफर इकबाल, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान। सेल्फी किसके साथ? जफर साहब के साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे जी। ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? मुराद साहब को दे देते हैं। और फ्लोर किसका आ गया? जो बच गए हैं तीसरे, वो कौन है? नाम मेरे जिन्हें जो भी हैं बच गए उनको दे दो। ओए होए, नाम ही नहीं याद आ रहा। फयाजुल हसन चौहान साहब, चौहान साहब नहीं जी, नहीं हो गया उनते चौहान साहब, ये हाल हो गया। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब। सर देखें, मजबूरी के तहत कहा हुआ मैंने, और जनरल नॉलेज के ऑप्शन मौजूद है। नहीं, नहीं, जो भी हाजिर है कोई मसला नहीं। देखें, ये दोनों भी तो पाकिस्तान के हैं कि बाहर के तो नहीं है। बिल्कुल, ठीक है जी। मैं मतलब कोई बिल्कुल रिजिड पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ। मैं कहूँ उसकी ना लगाएं और उसकी लगाएंगे, और दोनों जी को बुरे हैं जी, मेरी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। तो कौन है वो? पंजाब से ताल्लुक है तो शहबाज शरीफ साहब का, तो okay. लगा देंगे, कोई मसला। जबरदस्त, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। तो किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पे, मलिक वासिफ मजहर या मोहम्मद सलीम अख्तर? दोनों मेरे दोस्त हैं, है ना, आपने दोनों का नाम ले दिया है ना। तो क्योंकि मलिक सलीम अख्तर को मैं प्यार से अक्सर दादू कहता हूँ। अच्छा, तो मेरा ख्याल है दादू को फिर चांद पे छोड़ देंगे। दादू को चांद पे छोड़ दिया जाएगा। दोस्त है, चांद पे भी तो लेके जा रहे हैं। सर देखो, सिर्फ चांद पे लेके चले, उन्हें उठे भी चांद चढ़ाने ने। अच्छा ठीक है, डूबती कश्ती सर, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है मारिया गुलजान और उस्मान बुज़दार साहब। मैंने आपका नाम लिया था। अच्छा, ये मतलब है कि वो रेसिप्रोसिटी है। हाँ जी, चले जी, चले से हम पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं, क्योंकि बुज़दार साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे वज़ीर आला हैं, काबिल एहतराम हैं, तो मैं जैकेट इनको दे देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे दी थी। खूबसूरती ने लीडर बोलता है ये। बुज़दार साहब आप जैकेट ना ले पाए, मारिया ले गई हैं जैकेट को। मगर थैंक यू सो मच, सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मारिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।